बबन दौलत मुरुगवाड़ा ये टीम को, मुरुगवाड़ा ये टीम पिछले साल की चैंपियन टीम आज यहाँ पर ग्रैंड फिनाले खेलते हुए नजर आती है। यहाँ 11 गोलप मुरुगवाड़ा की ये टीम मुरुगवाड़ा से डिस्टेंस कवर करके गोलप मोहल्ला यहाँ पर खेलने के लिए आई है। गेम ऑन अंपायर का इशारा, हमारे अंपायर काफी अच्छी अंपायरिंग करते हुए नजर आते हुए इस टूर्नामेंट में। मेरे अंपायर मुकेश, मेरे अंपायर प्रमोद और थर्ड अंपायर सुजन, काफी अच्छे अंपायर। गेम ऑन, ट्रिपल एस के पुराने एंबेसडर यश गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मेगा फाइनल मुकाबला, ये ग्रैंड फिनाले मुकाबला, ये नाइट, ये मैच किसके नाम। पहली गेंद काफी तादाद में यहाँ पर दर्शक चाइना राइट हम राउंड विकेट। पहली गेंद का पकड़ने के बाद विकेट कीपर के दस्ताना में जाती हुई, विकेट कीपर ने अपना काम किया। सलीम जिन्होंने सेमीफाइनल के मैच में 51 रन बनाए, वही बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए 4-4 ओवर के मैच के ग्रैंड फिनाले मुकाबला। अगली गेंद फिर एक बार टप्पा पड़ने के बाद लेग स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, व्हाइट की मदद से एक रन स्कोर बोर्ड पर लगता हुआ 4-4 ओवर के मैच। यश की अगली गेंद समय चप्पा देने वाली गेंद, टप्पा पड़ने के बाद ऑफ ब्रेक किया, पहले दो गेंद में टप्पा पड़ने के बाद लेग ब्रेक और इसके बाद ये टप्पा पड़ने का ऑफ ब्रेक आई सलीम के बल्ले। इस बीच अगली गेंद, अच्छा शॉट, खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। तीन गेंदें हो चुकी अब तक, तीनों गेंदें सफल गेंदबाजी करने में। क्यों ट्रिपल एस के प्रधान अंबाजी पर है ये मुरुगवाड़ा का खिलाड़ी मानसा मुरुगवाड़ा, यश गेंदबाजी करते हुए यहाँ 11 गोलक मुरुगवाड़ा की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आते हुए। वाइट ब्राउन का विकेट, अगली गेंद और भी दिशा की गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप किया, सब कुछ अच्छा हुआ। ये मैच आखिरी दम तक लड़ते हुए नजर आते हुए, क्या फील्डिंग की, क्या एफर्ट किया जी अपने टीम के लिए रन बचाए स्मिथ ने, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई। ये मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले मुकाबला, रन संख्या अब तक केवल एक पर रुकी हुई, सलीम जैसे बल्लेबाज को रोक के रखा है। इस समय गेंद पैरों से टकराई, एक रन मिलेगा जरूर, इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। दो रन एक व्हाइट के रूप में और एक 22 के रूप में, दो रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब तक बैट से हाथ खोलने का मौका नहीं दिया यश ने, इस ओवर की आने वाली आखिरी गेंदों की सामना करेंगे। इस बीच अच्छी फील्डिंग होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 2 रन। क्या गेंदबाजी की यश ने, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। सलीम जैसे बल्लेबाज को रोक के रखा, पिछले मैच में 50 बनाने वाले सलीम, यश डीजे, चले डीजे के पास। थैंक यू डीजे, मधुर संगीत के बाद फिर एक बार चलते हैं मैच की ओर गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज आएगी, स्मिथ आएंगे, ऑन साइड पे 4 खिलाड़ी, ऑफ साइड पे 3, ये मिश्रण लेके खेलती हुई यहाँ 11 गोलक मुरुगवाड़ा की टीम। यस अंपायर, ये दूसरी ओवर का खेल सोहेल सामना करेंगे। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, रन संख्या 2 पर रुकी हुई। ग्रैंड फिनाले में का फाइनल, ये नाइट किसके नाम होगी, फाइनल कौन जीतेगा। नूरानी क्रिकेट क्लब की तरफ से रखा गया टूर्नामेंट, और भी दिशा की गेंद कैप करना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क में गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। पिछले साल की चैंपियन टीम दिखाते हुए अपना प्रदर्शन, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए कैप्टन ने बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। पहला ब्रेक क्यों मिला है सुहेल के रूप में, वापस जाना पड़ेगा। 3 पर मिली ये, 2 पर मिली ये पहली सफलता, जाना पड़ेगा वापस सुहेल को अब कहीं ना कहीं संभालता। यहां से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। पिछले साल के मैन ऑफ द सीरीज बने थे गोलप प्रीमियर लीग के भी और इस टूर्नामेंट के भी, वही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए बिन्यामीन, बल्लेबाजी करने के लिए वन डाउन के बल्लेबाज आए हैं। 2 रन टीम का स्कोर स्मिथ की अगली गेंद, अच्छी फील्डिंग होती हुई नजर आती हुई, अंपायर लोकेशन का इशारा, व्हाइट बॉल, इस व्हाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। 3 जितने रन, 2 व्हाइट के रन और 1 22 का रन, और टीम का स्कोर 3 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। अब तक एक भी रन बैट से नहीं आया है। बेनियामिन वन डाउन की बल्लेबाजी करने के लिए ऑल स्टार गोरख की टीम की ओर से, बीच फुल टॉस, अच्छा शॉट,
इतने समय बाद बाउंड्री मिली कि कोई लड़का नौकरी ढूंढ रहा था, नौकरी ढूंढते ढूंढते सरकारी नौकरी मिली, उसी तरह से ये बाउंड्री मिली। गिर जाएगी सीमा रेखा पार। डीजे सात रन टीम का स्कोर, स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। पहली बाउंड्री आई दुनिया मीन के बल्ले से आई है पहली बाउंड्री। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ स्मिथ गेंद बाकी करते हुए चार गेंदे हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन गेंद, एक तेरी तो एक मेरी, कम बैक किया। डीजे मास्टर तुम्हाला प्रत्येक षटकानंतर संदेश जरूर दिली जाईल, कमेंट्री करत असताना रिदम तोडू नका। अहमद आएगे नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने के लिए। सात रन टीम का स्कोर, दो विकेट के नुकसान पर सुहेल और बिन्यामीन वापस गए। अहमद आए बल्लेबाजी करने के लिए। सोर की आने वाली आखिरी गेंद, आखिरी गेंद अहमद सामना करने के लिए। 13 नंबर जर्सी पहन के, ओहो बहुत ही बेहतरीन गेंद, ये कमबैक है, बहुत ही बेहतरीन गेंद। 22 के रूप में एक रन मिलेगा, इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 8 रन। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, व्हाट इज क्रिकेट? सी फॉर चैलेंज, आर फॉर रिस्पेक्ट, आई फॉर इंस्पिरेशन, सी फॉर कॉन्फिडेंस, के फॉर कीप गोइंग, ई फॉर एग्जाम, पी फॉर ट्रस्ट। दिस इज क्रिकेट। ऑल स्टार गोल अप की टीम कहीं ना कहीं प्रेशर दबाव में नजर आती हुई, दबाव से बाहर आना होगा। When life puts you in tough situation, don't say why me, just say try me, because no one can play your role better than you. एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला, ये मेगा फाइनल मुकाबला चलता हुआ दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर अगर देखा जाए 8 रन। यहां से आने वाले अब भी 12 गेंदों का खेल बचा है। गेंदबाजी करने के लिए नए गेंदबाज आए हैं, वेदांत आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। तीसरी ओवर का खेल चलता है, वो 8 रन टीम का स्कोर, स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। सलीम सामना करेंगे पिछले मैच के सेट बल्लेबाज, सफलता मिली, वेरिएशन किया, ये बड़ी सफलता। सलीम को जाना पड़ेगा वापस, एक सेट बल्लेबाज पिछले मैच में 50 बनाने वाले खिलाड़ी वापस जाएंगे। 3 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर है 8 रन। अब यहां से दबाव है, कोई दबाव में टूटता है तो कोई दबाव में जीतता है, तो दबाव में जीतने वाला प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। अब बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज आएंगे, नवाब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। यहां से सोच समझ कर खेलना बहुत जरूरी है, साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है। ना सूरत देखनी है ना मूरत देखनी है, जो टीम को जरूरत है वो जरूरत देखनी है और जरूरत के हिसाब से खेलना बहुत जरूरी है। वेदांत आए हैं तीसरी ओवर का खेल लेकर, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, इस बीच हल्के हाथों से खेला खिलाड़ी तैनात, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, रन संख्या वही के वही 8 पर रुकी हुई। नवाब आए बल्लेबाजी करते हुए, तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ, यहां से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। अगली गेंद फिर एक बार हो, नईडली न वड़ा न डोसा न मेंदू वड़ा न उत्तप्पा न कटप्पा, यह है वेदांत का टप्पा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाने वाली गेंद, इस वाइड की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 9 रन टीम का स्कोर, स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। मैदान की अगली गेंद, नवाब फिर एक बार सामना करेंगे, फिर एक बार चकमा देने वाली गेंद, क्रेजी किया, रन मिलेगा एक बाई लेग बाई के रूप में। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 10 रन, 2 अंकों में 10 रन। मैदान की अगली गेंद फिर एक बार सामना करेंगे, नवाब वापस जाएंगे, 10 पर मिली ये चौथी सफलता। और ऑल स्टार गोलअप जैसे टीम को रोक के रखा है। दोनों में खुद तलाश करते हैं जुगनू अपनी रोशनी, किसी और के मोहताज नहीं होते। तो तीसरी ओवर का खेल, 4 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 10 रन। मैदान की अगली गेंद, उमेर आए हैं नए बल्लेबाज, कदमों का प्रयोग किया, ये आखिरी गेंद, मैदान बहुत ही बेहतरीन, व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा, इस व्हाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। नेल्सन फिगर 11, हमारे स्कोरर सज्जाद भाई काफी अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए। उमेर सामना करेंगे वेदांत की अगली गेंद, अच्छा शॉट, एक रन मिलेगा जरूर, इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। रन संख्या में इजाफा होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 12 रन। अगर टूटने लगे हौसले तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के कभी मंजिल नहीं मिलती, तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। चैंपियन से थोड़े कदम आप दूर है, कदम दर कदम चलो ऐसे के निशान बन जाए, काम करो ऐसे के पहचान बन जाए, और खेलो ऐसे के मिसाल बन जाए। तो मिसाल बनने वाला खेल आपको खेलना है, जीत की कोई जात नहीं होती, जीत का कोई
धर्म नहीं होता, जीत का कोई कलर नहीं होता, जीत तो बस ये देखती है कि इतने मुश्किलों के आगे हट गए या मुश्किलों के आगे डट गए। तो मुश्किलों के आगे हमेशा डट कर खेलना बहुत जरूरी है। तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 12 रन। 12 की अगर बात की जाए तो हमेशा युवराज सिंह की याद आती है। 12 दिसंबर को पैदा हुए, 12 तारीख 12वां महीना चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में सेक्टर 12 को पैदा हुए, 12:12 को पैदा हुए। टीम का स्कोर इस समय 3 ओवर की समाप्ति पर 12। आने वाले 6 गेंदों का खेल लेकर गेंदबाज आएंगे, साई आएगी गेंदबाजी करने के लिए। राइट अम राम विकेट, हो बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क, गेंद विकेट कीपर के हाथों में, यश ट्रिपल एस के प्राण अंबासीडर के हाथों में गेंद जाती हुई थोड़ा सा लो स्कोर देखने के लिए मिलता हुआ। ये 4th ओवर का खेल, साई खराब शॉट की गेंदबाजी, नो बॉल एम्पायर का इशारा, व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। इस व्हाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, रन संख्या में इजाफा होता हुआ 13 रन टीम का स्कोर। अभी भी शुरुआत करना बहुत जरूरी, क्रिकेट एक कभी भी मैच बदल सकता है। साई गेंदबाजी करते हुए नजर आते हैं, टीम का स्कोर 13 रन, स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। एक ग्रैंड फिनाले मुकाबला चलता हुआ, टप्पा पड़कर पैरों से टकराई गेंद क्षेत्र में गई है, 1 रन मिलेगा जरूर। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 14 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। काफी तादाद में दर्शक यहाँ पर आज आए हैं गुलाबी ठंडी में, इस मैच को एक रौनक एक शान बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम महान हस्तियां आज यहाँ पर इस टूर्नामेंट में उपस्थिति दिखाई है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो ऑल स्टार गोलअप, जिंदगी में कभी किसी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बन पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। तो आपका वक्त आएगा, यहाँ से शुरुआत करना बहुत जरूरी है। हर खिलाड़ी का एक अपना वक्त होता है, प्रत्येक खिलाड़ी एक काल असतो, कोणी गाजवलेला असतो तरी कोणी गाजवत असतो। तो इस बीच अहमद बल्लेबाजी करेंगे, साई गेंदबाजी करते हुए काफी बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई इहान 11 के ओर से। इहान 11 कोलम मुरुगवाड़ा की टीम, पिछले साल की चैंपियन टीम क्यों हुई थी चैंपियन वो बताते हुए काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए फिर एक बार अहमद सामना करेंगे। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय, खराब फील्डिंग हुई, रन मिलेंगे 4, गेंद गई है सीमा रेखा पार, बैट पे लग कर ये गई, यानी कहीं ना कहीं नसीब का साथ। अब दुआओं के हाथ उठे, 4 रन मिलेंगे। इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, 18 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है, 18 टीम का स्कोर। साई गेंदबाजी करते हुए गेंदे अगर देखी जाए 4 गेंदे हो चुकी है, आने वाले 2 गेंदों का खेला पीछे से फिर एक बार बहुत ही बेहतरीन शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट, महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाने वाला ये शॉट, 4 रन मिलेंगे। इस 4 रन की मदद से टीम का स्कोर 22 रन स्कोर बोर्ड पर लगेगा। अब आने वाली ये आखिरी गेंद, 22 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है। आखिरी गेंद, अहमद बैक टू बैक 2 बाउंड्री लगा चुके साई के खिलाफ। आखिरी गेंद, अहमद कदमों का प्रयोग किया है खिलाड़ी तैनात, रनआउट का बोता, खतरे की घंटी, रनआउट की अपील और रनआउट, आउट OUT आउट, उमेर आउट करार दी जाएगी रनआउट के रूप में। टीम का स्कोर हुआ 24, जीतने के लिए 25 का लक्ष्य रखा है, और 25 का लक्ष्य यश ही दाखल झाली। विजयासाठी आव्हान असेल पाहिलं गेलं तर 23 धावांचं, 24 चेंडू 23 धावा समीकरण असेल। सलामीची जोडी पाहिलं गेलं तर या निलेवन गोळक मुरुगवाडा या संघाकडून दाखल झालेली चांगल्या लयीमध्ये पूर्णपणे या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते। मार्कवर मोहम्मद दाखल झाला राऊंड विकेट स्मिथ साठी सज्ज असेल। जर्सी नंबर 33 परिधान करून असलेले आज मी ते सज्ज लॉन्ग स्टॅकिंग एंडला यश सज्ज असेल। उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं या अंतिम सामन्याच्या सेकंड इनिंग मध्ये सहर्ष स्वागत। पहिला चेंडू इथे मात्र जाईल डिक्लेरेशन बॉक्स मध्ये, इथे मात्र संघर्ष करावा लागेल तो मात्र ऑस्कर गोळक संघाला। जशी फलंदाजी केली त्याच फलंदाजीच्या जोरावर 22 धावा पूर्ण केल्या गेल्या, 23 धावांचं उद्दिष्ट ठेवलंय की धावा बचाव करण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल। अतिरिक्त चेंडू इथे मात्र घोषित जरूर केला जाईल, दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये म्हणजे तिथे धावा मिळतील। अवांतर 1+1 एकूण 2 धावा, या 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या 3 असेल स्कोर कार्डवर। अतिरिक्त चेंडू कमीत कमी टाकायचे, धावा कमी खर्च करायचे, कारण लक्ष हे कमी असेल। स्मिथ पुन्हा एकदा सज्ज, इथे मात्र मोठा फटका प्रहार केला जातोय, चेंडू जाईल डिक्लेरेशन बॉक्स चा दिशेने, पंप सिग्नल काय येईल याकडे लक्ष आहे, डिसिजन पेंडिंग आहे। फॉर द ऑल स्टार गोळक एक धाव भेटते, स्मिथ यानं कबूल केलं होतं,
सिग्नल अगोदरच एक धाव एक निश्चित संघाच्या खात्यात भर धाव संख्या पहिली गेली तर चार धाबा पहिल्या दोन चेंडूंवर चार धाबा इथे मात्र जमा केल्या गेल्यात येणाऱ्या सर्व चेंडूंमध्ये धाबांची गरज असेल पाहिले गेले तर एकोणीस एकोणीस धाबा कशा प्रकारे रोखल्या जातील कशा प्रकारे बनवले जातील पुढचा चेंडू इथे मात्र क्षेत्ररक्षण केलं जाईल पाहिले गेले तर अहमद पाहायला मिळाला होता ही चढा ओढ या सामन्यामध्ये पाहायला मिळेल अंतिम सामना कसा असावा याचं उत्तर देणारा सामना असेल अंतिम लढत मैदानाच्या आतमध्ये या पर्वाची पाहायला मिळेल कोणता संघ या चमचमत्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरेल मात्र मोठा पट्टा कोणती संधी नाहीये चेडू जाईल सीमा रेषेपार आपला दोन चौकार या चौकारच्या मदतीने धावसंख्या पुढे सरसावती संधी नव्हती प्रयत्न करायला सांगत होता परंतु मात्र प्रयत्न केले गेले प्रयत्न ते परमेश्वर म्हटलं जातं प्रयत्न करावे लागतील संघर्ष करावा लागेल दोन्ही संघात पकड या सामन्यावर या निलेवन गोळक मुरुगवाडा या संघाची पाहायला मिळते मनसूर राठोडकर सर यांचा हा संघ आपण पाहते मोठा पट्टा त्याच पद्धतीने त्याच स्टाईल नाही मात्र खेळला गेले पायावर चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न जरूर केला जाते परंतु स्मित इथे माहीर आहे आपल्या स्वतःसाठी जागा बनवतो तदनंतर मोठी फटकेबाजी करताना पाहायला मिळेल पहिल्या षटकामध्ये आतापर्यंत बारा धाबा जोडले जातात अजूनही पाहिले मित्र या षटकातील एक चेंडूही येणं बाकी असेल या चेंडूवर किती धाबा जमवल्या जातील आपलं लक्ष आहे दोन्ही संघांसाठी दोन्ही संघ इथे मात्र या चमचमत्या ट्रॉफीवर नाव कोरण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसतील जाईल ग्राउंड विकेट आपण पाहतोय स्मित सज्ज असेल नॉन स्ट्राईक नॉन स्ट्राईकिंग एंडला ट्रिपल एसचा ब्रँड अम्बॅसिडर यश पाहायला मिळते परंतु आपलं काम पूर्ण केलं गेलं पहिल्या षटकामध्ये स्मितच्या माध्यमातून तपास सोळा धाबा खर्च केली गेल्या महिमध्ये महमद याच्याकडून मात्र बनवलं जाते त्यापर्यंत गोलंदीज मार्फत सलीम पाहायला मिळते ऑल स्टार गोळक विरुद्ध या निलेवन गोळक मुरुगवाडा हा संघ गतवर्षीचा विजेता संघामध्ये फाईट क्लब संघामध्ये यातील काही चेहरे आपल्याला पाहायला मिळाले होते नावानं खेळताना पाहायला मिळते यश याची दमदार कामगिरी स्मित याची दमदार कामगिरी त्यानंतर गोलंदाजाने केलेली कामगिरी या स्पर्धेमध्ये अंतिम सामन्यापर्यंत घेऊन आली आणि त्याच जोरावर अंतिम सामन्यामध्ये चांगलं प्रदर्शन यशांच्या मागे चांगलं क्षेत्रक्षण जरूर झालंय परंतु पण त्याचा वाईट बॉलचा सिग्नल आपल्याला पाहायला मिळेल एक धाव एकदा विनिशी संघाच्या खात्यात भर पुन्हा एकदा मोठा पाटका प्रहार केला जातो अपनातील चौकार इथे मात्र पाहायला मिळाले या चौकारच्या मध्ये तर धावसंख्या आता मात्र 21 असेल 21 लॉस ऑफ 0 विकेट अतिरिक्त चेंडू इथे मात्र सामना जवळजवळ सोडून दिला जातोय वाईटवरचा सिग्नल इथे मात्र पंचच्या माध्यमातून केला जातोय या आकर्षक चषकावर नाव कोरण्यासाठी सज्ज झालाय इथे मात्र हा चेंडू पाहिले गेले तर डिक्लेशन बॉक्स मध्ये धावसंख्या अजूनही 22 असेल 23 धावा पूर्ण झालेत आणि विजयी होतो या पर्व पाचचा या निलेवन गोळक मुरुगवाडा संघ आपण लगेच बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम मैदानाच्या आतमध्ये खेळपट्टीवर पार पाडणार आहोत त्यामुळं सर्व छोटे खेळाडू क्रीडा रसिक आपल्याला विनंती करतोय आपण एका बाजूला